हेलो गाइस, मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक हेल्दी सैंडविच। इसमें मैंने ले लिया है मेयोनीज़, और अब मेयोनीज़ में मैं बारीक बारीक टमाटर डालूँगी और थोड़ी सी हरी शिमला मिर्ची, थोड़ा सा खीरा लिया है मैंने, अब दो एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। मेयोनीज़ मैंने थोड़ी सी ही ली है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो तो मैंने इसको नहीं डाला। ये हेल्दी नाश्ता है, आप सुबह सुबह मॉर्निंग में बना सकते हैं या शाम को, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो शाम को भी इसे खा सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा चीज़ स्लाइस के टुकड़े डाल रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था मुझे चीज़ पसंद है तो, और उसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे हम। आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें अच्छे से मेयोनीज़ मिल जाए और जो चीज़ डाला है उसका भी आपको अच्छे से टेस्ट आ जाए। अब मैं ब्राउन ब्रेड लिया है मैंने, ब्राउन ब्रेड हेल्दी होता है, मैं हल्का हल्का सा इसमें बटर लगा दिया, बटर मेरा मेल्ट नहीं था तो इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरा टोस्टर में जाने के बाद बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। मैं इसमें हरी चटनी या कुछ और नहीं लगा रही हूँ। अब मैं इसमें शेज़वान सॉस लगा रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लगाइए, और जो मैंने पहले से तैयार किया हुआ था मिक्सचर ब्रेड उसके ऊपर रख दे रही हूँ अच्छे से। अब आप इसे टोस्टर में डालने के लिए रेडी है, मैंने टोस्टर के नीचे बटर लगा लिया है, थोड़ा सा बटर ऊपर भी लगा लेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। बटर के ऊपर भी ये गर्म रहता है तो ये अच्छे से हो जाएगा। अब ये रेड रेड बत्ती जब जलेगी टोस्टर की तो ये रेडी हो जाएगा। देखिए, आपको ग्रीन और रेड दोनों बत्तियाँ जल रही हैं। मैं इसको एक बार और वो करूँगी, ट्विस्ट करूँगी दोनों तरफ से, क्योंकि ये काटने के लिए बहुत अच्छा रहता है और आसानी से कट जाता है। इसको एक दो सेकंड के लिए आप रखेंगे, ग्रीन बत्ती जल रही है। अब ये मैंने निकाला, इसको देख सकते हैं कि पूरा ब्रेड अच्छे से रेड हो चुका है। ऑब्वियसली ब्राउन ब्रेड है तो बटर अच्छे से लगाएंगे तो इसमें अच्छा सा कलर तो आ जाएगा। अब आप इसे अच्छे से काट दीजिए नाइफ से। आप इसे अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। मैंने हरी चटनी बनाई थी पुदीने की और कैरी की और धनिए की, अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा शेज़वान सॉस डालूँगी साइड में, मुझे पसंद है। ये रेडी हो गया मेरा हेल्दी सैंडविच। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।